हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, आज आपके सामने हम लाए हैं सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 के बायोलॉजी का कुछ टर्म्स, कुछ क्वेश्चंस, जो कि हैं हमारे चैप्टर कौन से नंबर का, ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ वाला एक चैप्टर है आपका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करके। उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, वहाँ से आपके सामने ये वीडियो आया है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे। और वो बात ये है कि आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसे गया? तो बहुत ज़्यादा सुनने में आया है पेपर की थोड़ा टफ आया था पेपर, है ना? और कुछ बच्चों का कहना है कि बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो उनसे पेपर ज़्यादा नहीं बना अच्छे से। तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहें, ठीक, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिख करके आया है, तो बोर्ड वालों का यही रहेगा टारगेट कि आपको कैसे तैसे वो पास करें, कोशिश यही रहेगा उनका कि आपको पास करें। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है? थोड़ा आया था टफ पेपर, ये बात हकीकत है, सही है, ये थोड़ा टफ आया था, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है? लेकिन अब आ चुका है, जो हो चुका है उसके लिए ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, और बोलने से वो सुधरेगा भी नहीं। तो उस पर बात ना करते हुए अब वो देखना है कि क्या अब अच्छा हो सकता है। जो अच्छा हो सकता था वो तो ठीक अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब जो हो सकता है आगे भविष्य का, वो अपन सुधार सकते हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं हमको कि बायो में वो मार्क्स खींच के लाने हैं जो मार्क्स हमारे केमिस्ट्री ने खींच लिए हैं। तो केमिस्ट्री में जो मार्क्स कवर नहीं हो पाएंगे वो हमको बायो में करना है। तो इसी उद्देश्य के साथ ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा आज मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने जो टॉपिक है हमारा ये है क्या, डिजीज वाले चैप्टर का। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा, एक या दो नंबर में क्वेश्चन आता है, इसमें होता है कि डिजीज कौन सा डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है ना, कौन सा डिजीज वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज में कौन उसका फैक्टर है, कॉजिंग फैक्टर कौन है, उसका वेक्टर कौन है। तो हम वहीं से टर्म यहाँ से लाए हैं, वहीं से कुछ बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करना है। आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा यहाँ पर टॉपिक है, देखो इतना बड़ा मैंने लिखा है, बीमारियों का नाम लिखा है इतना सारा, थोड़ा नाम अटपटे हैं, लेकिन हो जाएगा, सबको एकदम याद नहीं करना, पर जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उतने को याद कर लेना आप। मैंने लिखा है यहाँ पर सब है, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई बच्चों के लिए भी ये वीडियो है, तो सीबीएसई वालों को एग्जाम भी अभी सामने है, तो उनके लिए भी है, उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनके में एमसीक्यू आएगा, सीजी के में एमसीक्यू आता नहीं है। तो उनके लिए जहाँ बताऊँगा वहाँ पर अच्छे से कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज का। तो बैक्टीरिया डिजीज कौन होगा, उसमें बैक्टीरिया कौन होगा, ठीक है? और अपना पैथोजन क्या है, देखो ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज, और ये है इसका पैथोजन, और ये इसका की पॉइंट, क्योंकि हर डिजीज से रिलेटेड एक ना एक की पॉइंट होता है, तो ये वही की पॉइंट है। देखो पहला क्या है अपना, टाइफाइड। टाइफाइड का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि टाइफाइड को और क्या बोलते हैं, टाइफाइड को बोलते हैं एंट्रिक फीवर, याद रखना एंट्रिक फीवर। किससे होता है, कॉजिंग फैक्टर क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफी है कॉजिंग फैक्टर अगर बात करें तो। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आया है दो चीज। पहला चीज तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड का क्या होता है, तो विडाल टेस्ट, ये टाइफाइड से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो विडाल टेस्ट होगा। और इसका एक और नाम बोला जाता है, इसको मैरी मिलान है ना, क्या नाम होते हैं, मैरी मिलान, ये टाइफाइड का ही नाम है, ठीक है? तो याद रखना टाइफाइड का तीन नाम हो गया, एक तो टाइफाइड, एक एंट्रिक फीवर और एक मैरी मिलान, तीन नाम याद रखना टाइफाइड का, तीनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया का जो कॉजिंग फैक्टर वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है? ये कहाँ किस पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है, तो याद रखना इन्फेक्शन किस करता है, एल्वुलाई को, ठीक है, लंग्स को नहीं करता, एल्वुलाई, ठीक है? इसके बाद डायसेंट्री, डायसेंट्री किससे होगा, सिगेलोसिस से होगा, सिगेलोसिस बोलते हैं इसको, मतलब ये इसके बैक्टीरिया का नाम है सिगेला, ठीक है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डायसेंट्री, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल दो ही है, ठीक है? ये आ सकता है प्लेग, ब्लैक डेथ प्लेग आ सकता है, यर्शिनिया पेस्टिस से होता है ये, ठीक। इसके बाद डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया के लिए कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, ये इसका कॉजिंग फैक्टर नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, और इसका ये टेस्ट आ सकता है शीक टेस्ट, है ना, कि डिफ्थीरिया के लिए हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, तो शीक टेस्ट यूज करते हैं डिफ्थीरिया के लिए। टिटनस को हम बोलते हैं लॉग जॉ, लॉग जॉ बोलते हैं इसको, क्लास्ट्रिडियम टिटैनी से होगा ये बीमारी। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं, टीबी, कॉलेरा, लेप्रोजी, तो सीबीएसई में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, है ना? तो आपको बैक्टीरियल डिजीज के कम से कम एटलीस्ट नाम तो अच्छे से याद होना चाहिए कि ये जो डिजीज होता है वो बैक्टीरियल डिजीज में आता है, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे वायरल डिजीज का। तो वायरस देखो, वायरस है सबसे पहले तो कॉमन कोड है एकदम सिंपल, जो हमको सर्दी जुकाम नॉर्मल होता है वो कॉमन डिजीज क्या है, कॉमन कोड, इसका वायरस कौन है, फैक्टर राइनो वायरस, ये ग्रुप है एक प्रकार का वो है, ठीक है? उसके बाद चिकनगुनिया, इसके लिए भी चिकनगुनिया वायरस होता है, फीमेल एडिस फैक्टर इसका वेक्टर है मान के चलो, डेंगी, हेपेटाइटिस बी, एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड मम्स और रेबीज, ये जो है ये भी वायरल डिजीज में ही आते हैं, ये भी
इनके भी मतलब वायरस ही होते हैं। तो वायरस डिजीज के लिए आप इसको याद रखना, कम से कम नाम इनका याद रखना, और कोशिश करो कि इनका निमोनिक बनाओ, खुद से निमोनिक बनाओ, खुद से निमोनिक बनाओगे तो याद रहेगा, है ना, शॉर्टकट में। जैसे मान लो कॉमन वायरस के लिए हम बोलते हैं C3, देखो C3 किसके लिए होता है, वायरस के लिए। C3 में क्या कहेगा, सी कॉमन कोड, सी से शुरू हो रहा है चिकनगुनिया और सी से हो रहा है चिकन पॉक्स, तो C3, ठीक। तो ऐसा आप याद सकते हैं। और हेड याद रख लो, HAD, हेपेटाइटिस बी, एड्स, डेंगी, ये देखो HAD, हेड, C3 हेड, ऐसा टाइप से कुछ अपने से बनाओ न्यूमोनिक और उसको याद रखो। इसके बाद प्लाज्मोडियम से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम से सबसे कॉमन जो बीमारी होता है वो होता है मलेरिया, एनसीईआरटी में दिया भी इसके बारे में है बहुत कुछ, तो मलेरिया याद रखना अच्छे से। उसके अलावा होता किससे ही है, इसका वेक्टर कौन है ना, तो ये होता है फीमेल एनाफिलिस मलेरिया का। प्रोटोजोअल डिजीज बोलेगा तो याद रखना, प्रोटोजोआ में दो डिजीज है, एस्केरियसिस और एलिफेंटियसिस। एस्केरियसिस होता है एस्केरिस से और एलिफेंटियसिस होता है फाइलेरियसिस से, ठीक है, फाइलेरियल वर्म होता है एक, उससे होता है, ठीक। और इसका जो अपना क्या बोलते हैं वेक्टर है वो होगा फीमेल क्यूलेक्स, अच्छे से याद रखिए इस चीज को। तो फाइलेरियल वाउचेरिया बैंक ऑफ टाई, ये इसका फाइलेरियसिस है। इसके बाद फंगल डिजीज की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन इस बार आने के थोड़ा चांसेस है, अभी तक पूछा नहीं बट आ सकता है एक बार, तो यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ लेना, सीजी वालों को बता रहा हूँ, बाकी सीबीएसई को तो बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें से पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो रिंग वर्म में आ जाएगा माइक्रोस्पोराम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, है ना, तो ये तीनों ही आएंगे। रिंग वर्म समझ गए, रिंग वर्म क्यों बोल रहे उसको, रिंग वर्म का नाम ही देखो, वर्म से नहीं होता ना वो, फाइलेरियस मतलब फंगल से होता है, लेकिन है वर्म क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रिंग टाइप का जहां पर होता है ना वो रिंग टाइप का ऐसा बन जाता है वहां पर, इसलिए बोलते हैं रिंग वर्म बोला जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छे से। सुपरफिशियल माइकोसिस में आता है ये, ठीक, सुपरफिशियल मतलब जो हमारे स्किन के ऊपरी सरफेस में होता है, तो वहाँ पर के लिए ये डिजीज है, फंगल डिजीज जितने भी हैं, तो आपको इन सबको अच्छे से याद रखना है, कौन बैक्टीरिया का है कौन इसका है। अब मैं बात करूंगा एड्स का, एड्स से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो एड्स को मैं एकदम डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, फटाफट लिखो पहले फिर बढ़ते आगे। तो चलिए बच्चों, अब आपके सामने आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एड्स के बाद, जो कि है कैंसर। कैंसर से भी क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे आएंगे आएंगे, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर के टाइप्स क्या क्या हैं, सब कुछ हमको देखना है, आराम से धीरे धीरे देखेंगे पर देखेंगे। चलिए सबसे पहले कैंसर, कैंसर क्या होता है, देखो अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, ठीक, मतलब अगर सेल की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, अगर वो अनकंट्रोल हो जाए किसी जगह पे, नॉर्मल जो होता है वो होना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा, तो हो सकता है कि वहां पर कैंसर हो, मे बी मे नॉट बी, जरूरी नहीं कि होगा बट हो सकता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी क्या होती है, तो वो एक ब्रांच होता है साइंस का, इसमें हम कैंसर का स्टडी करते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ कैंसर, देखिए टाइप्स ऑफ कैंसर में दो आएंगे, बिनाइन कैंसर और एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर जो होता है नॉन फिटल टू लाइफ होता है, मतलब जीवन के लिए उतना ज्यादा घातक नहीं है, कौन, बिनाइन कैंसर, ठीक है। लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर है ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्यों, कारण है उसका, क्योंकि ना जो बिनाइन मैलिग्नेंट कैंसर होता है ना, अगर ये बॉडी के किसी एक हिस्से में हो जाए तो वो लगातार फैलते रहता है। मान लो मेरे हाथ में हो जाए, हो गया अगर, कौन सा वाला मैलिग्नेंट, तो धीरे 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 बॉडी के अदर पार्ट में वो फैलेगा, स्प्रेड करेगा, स्प्रेड करने की प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पर होती है मैलिग्नेंट में, बिनाइन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। कारण क्या है, क्यों होती है, क्यों नहीं होती, देखिए क्या होता है कि जो बिनाइन कैंसर में जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, कैंसर सेल के ऊपर कैप्सूल का एक लेयर होता है, बिनाइन में कैप्सूल का एक लेयर होता है जिससे वो स्प्रेड नहीं कर पाते, लेकिन मैलिग्नेंट में वो कैप्सूल का लेयर जो है वो नहीं पाया जाता, इसलिए वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं और पूरे बॉडी में फैल सकते हैं वो, तो इसलिए ज्यादा डेंजरस है ये। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर, अच्छा जब जाहिर सी बात है, जब कैंसर होगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा सेल का, तो वहां पर ट्यूमर बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्यूमर या टाइप्स ऑफ कैंसर। तो पहला हमारा है कार्सिनोमा, देखो कार्सिनोमा क्या होता है, तो कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल किसको बोलते हैं, तो हमारी बॉडी में पाया जाने वाला आउटर लेयर, देखो स्किन दिख रहा है पूरा, स्किन हो गया, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया, जो कैविटी होता है उनकी लाइनिंग को कवर करने वाला जो भी सेल रहेगा वो सब क्या होगा, एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल में जो कैंसर होता है हम उसको कहते हैं कार्सिनोमा। एग्जांपल देखो क्या आएगा, ब्रेन, ब्रेस्ट का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। तो ब्रेस्ट का कैंसर कॉमन होता है फीमेल में, कई बार क्या होता है कि फीमेल आजकल क्या होता है कि फैशन का जमाना है आजकल, तो आफ्टर पास्टुरेशन जब बेबी का बर्थ होता है
तो फीमेल्स क्या करती हैं कि अपने बच्चे को ना मिल्क का सेवन नहीं कराती, दूध नहीं पिलाती। दूध ना पिलाने की वजह से क्या होता है कि जो मिल्क है वो क्या करता है, वो जमा होने लगता है ना, तो वो कहीं ना कहीं कैंसर की तरह ट्यूमर के फॉर्म में वो शो हो सकता है। तो इसलिए जो ब्रेस्ट का कैंसर है ना, इस ना हो इसके लिए मिल्क का सेवन बच्चे को कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक होता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जो है ये कहाँ का है, ये मेल में होता है, कॉमनली मेल में पाया जाता है। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना, ये भी ये फीमेल में होगा। सर्वाइकल मतलब नाम ही में है, क्लियर, फीमेल में होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सार्कोमा। सार्कोमा कहाँ होगा, कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है, एग्जाम्पल बोन, कार्टिलेज, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, तो उनमें जो होगा उसको हम बोलेंगे सार्कोमा। एक होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जिसको हम उसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या होता है कि जब ब्लड ब्लड में क्या होता है, देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो जब डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है ना, जो डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है, अगर ये नॉर्मल 1 मिलियन से ज्यादा हो जाए, 1 मिलियन से ज्यादा हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। जो कि अलग अलग टाइप का है, देखो माइलॉइड और लिम्फॉइड। माइलॉइड का मतलब होता है न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल और बेसोफिल। अगर इनकी संख्या ज्यादा हो जाए, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल जो कि टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं, उनका नंबर अगर बढ़ जाता है तो माइलॉइड ल्यूकेमिया। और अगर लिम्फॉइड में क्या होगा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की अगर नंबर बढ़ जाए तो लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। तो देखो अगर माइलॉइड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर माइलॉइड में दो होता है, क्रोनिक माइलॉइड और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ऐसे ही लिम्फॉइड में क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, है ना, ये चार प्रकार के होते हैं। इसको आप बड़े लेवल में जाओगे तो पढ़ोगे, एमबीबीएस वगैरह अगर करते हो आप, या आप पैथोलॉजिस्ट बनते हो तो आप वहां पर इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद होता है हमारा लिम्फोमास। लिम्फोमा क्या होता है कि जो लिम्फ टिश्यू होता है हमारे ब्लड, मतलब हमारे बॉडी में जो लिम्फ टिश्यू होता है, जैसे मान लो स्प्लीन है, तो ये स्प्लीन क्या है, अपना सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन हो गया, है ना, इसके अलावा पेयर्स पचेस हो गए, तो इन स्थानों पे जो लिम्फ टिश्यू होता है, अगर उसमें होता है कैंसर, हम उसको बोलते हैं लिम्फोमा बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लियर। चार आपके एग्जाम में आया तो एटलीस्ट चार आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद है आपका कार्सिनोजन। तो कार्सिनोजन किसको कहते हैं, तो कॉज ऑफ कैंसर, मतलब वो कारण जिससे कैंसर होता है उसको कहते हैं कार्सिनोजन। तीन प्रकार का रहेगा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या आएगा, फिजिकल में आएगा रेडिएशंस, तो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग में दो आएगा, एक्सरे और गामा रे, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। नॉन आयोनाइजिंग में आएगा अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। केमिकल में क्या आएगा, बेंजोपायरिन। क्या होता है कि जो तंबाकू का जो धुआं होता है, तंबाकू का स्मोकिंग करते हैं जो लोग, तो तंबाकू का जो धुआं निकलता है ना, उसमें केमिकल पाया जाता है बेंजोपायरिन, जो कि केमिकल कार्सिनोजन है। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजिकल में आएगा आपका ओंकोजेनिक वायरस। एक वायरस होता है जो कि ओंकोजेनिक है, वो उससे कैंसर हो सकता है। इससे क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा जो नॉर्मल सेल, देखो कैंसर जो होता है ना, बेसिक कारण क्या है, मान लो हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल है, अब कोई रेडिएशन पड़ा उसमें, या मान के चलो कोई भी कॉज जो है अगर हमारे बॉडी में आए, तो नॉर्मल सेल को बदल देते हैं इसमें कैंसर सेल में। क्या करते हैं वो, आसपास के सेल से ना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, छीन लेते हैं न्यूट्रिशन, और एक्स्ट्रा ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है कैंसर का कारण मेनली। ठीक है, अब बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो पहला है इम्प्रोटेक्टिव और दूसरा है प्रोटेक्टिव। इम्प्रोटेक्टिव मतलब असुरक्षित तरीका है ये। पहला है बायोप्सी। देखो बायोप्सी में क्या होता है कि बायोप्सी करने से पहले हम करते हैं एफएनएसी। एफएनएसी मतलब फाइन नीडल, देखो एफएनएसी, एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पिरेट साइटोलॉजी, है ना। इसमें क्या होता है कि एक पत्ती सी नीडल होती है, मान के चलो कहीं पर अगर आपका कहीं पर गांठ है, या कहीं पर मान लो ट्यूमर है, तो वहां क्या होगा, नीडल डाल के ना उसके कैरियोटाइप्स को हम अलग करेंगे। ठीक है, मतलब उसका स्टडी करेंगे। एकदम पत्ती सी नीडल आती है, वो होता है अपना एफएनएसी, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में करते हैं। उसके बाद अगर उसमें कुछ दिखता है हमको, कुछ ट्यूमर मार्कर सीखेंगे, है ना, यानी कि बताता है कि हाँ ये कैंसर हो सकता है, अगर किसी को लगता है डॉक्टर को कि हाँ ये कैंसर हो सकता है, तो फिर बायोप्सी होगा। बायोप्सी का मतलब होता है कि टिश्यू का थोड़ा सेगमेंट लिया जाएगा और उसमें स्टडी की जाएगी टिश्यू की। ठीक है, उसको बोलते हैं हम बायोप्सी। ठीक, इसके बाद क्या होगा, हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें भी वही होता है कि टिश्यू का सेक्शन कट करते हैं, कट करके उसको स्टेनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद कैंसर सेल को उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको उतना ज़्यादा नहीं जानना है, कम से कम इसका नाम आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद बोन मैरो टेस्ट होता है। कई बार अगर ब्लड टेस्ट, ब्लड कैंसर का कुछ चांसेस है तो बोन मैरो टेस्ट होगा, क्योंकि ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो बनता है ना, तो बोन मैरो लगेगा। उसके बाद सोनोग्राफी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, है ना। ये सब क्या है, उतना इम्प्रोटेक्टिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, रेडिएशन यहाँ भी रहते हैं। इसके बाद प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में आएगा आपका एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या होता है कि एंटीबॉडी कुछ बनाते हैं जो कि कैंसर सेल से ही बनता है। तो क्या होता है कि वो अपने अपने नॉर्मल जो कैंसर सेल, देखो कैंसर सेल से अगर कोई एंटीबॉडी बनेगा तो कैंसर सेल को पहचान लेगा ना आसानी से। तो बस वही है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज हम करते हैं कैंसर के इसमें डायग्नोसिस में। ठीक है, या कहो ट्रीटमेंट में बोल सकते हो।
अब देखो विटामिन ई और विटामिन बी 17 को हम बोलते हैं एंटी कैंसर विटामिन, ये आ सकता है एग्जाम में। एंटी कैंसर विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन ई को बोलते हैं और विटामिन 17 को बोलते हैं, ठीक है, बी 17 को बोलते हैं। इसके बाद अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है ये एक प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी, हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ो पढ़ते हो ना उसमें बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो मॉडर्न साइंस है, तो उसमें क्या होता है कि अल्फा इंटरफेरॉन नाम का एक केमिकल बनाया जाता है जिसकी हेल्प से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक है इसमें क्या करते हैं अपन कि किलर टी लिम्फोसाइट जो होता है हमारे बॉडी में, किलर टी लिम्फोसाइट उसको एक्टिवेट करते हैं हम थोड़ा सा, जिससे क्या होता है कि वो अपने सेल को आसानी से पहचान लेता है। क्योंकि देखो हमारे बॉडी में कोई सेल है उसको हमारे बॉडी का सेल ही पहचान सकता है ना, तो अगर हमारे बॉडी का सेल कैंसर सेल को खुद मार दे तो सबसे अच्छी बात है वो, तो क्या करेंगे हम लोग अल्फा इंटरफेरॉन की हेल्प से हमारे बॉडी के किलर टी लिम्फोसाइट है ना उनको क्या करेंगे एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट कर देंगे, अब वो एक्टिवेट एक बार हो गया अगर तो फिर वो आसानी से कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये था पूरा पूरा कैंसर, एक बार आपको अच्छे से इनको स्टडी करना है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ और, एड्स में बता दिया हूँ, एड्स भी अच्छे से इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एड्स को और कैंसर को। एड्स में ध्यान रखना है नाको, एक वर्ड याद रखना नाको, NACO नाको है ना, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म इसका आ सकता है, ठीक है। तो फटाफट पढ़ाई करते रहिए, इसके बाद में अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा वो इसी चैप्टर का रहेगा, कहीं का हो सकता है मैं इम्यूनिटी से ला दूँ अगला वीडियो, लेकिन फटाफट तब तक तो फिलहाल इतना को पढ़िए आप जल्दी से, चलिए।